गूगल अर्थ में दिख रही ये लोकेशन लद्दाख के पारकाचिक ग्लेशियर की है। अभी हाल ही में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इससे जुड़ी एक स्टडी की है, जिसके मुताबिक लद्दाख के इस पारकाचिक ग्लेशियर में कई अहम बदलाव होने वाले हैं, जिसके चलते लद्दाख के इस लोकेशन में 3 नई झीलें बनने की संभावना है। दरअसल वाडिया इंस्टीट्यूट भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करता है, जो क्षेत्रीय जलवायु में बदलाव से हिमालय के ग्लेशियर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसी की स्टडी करता है। हाल ही में इसी तरह की एक स्टडी डॉक्टर मनीष मेहता के अगुवाई में की गई है, जिसमें वैज्ञानिकों की टीम ने साल 2015 से 2021 के बीच की सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करते हुए एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक हाल के वर्षों में इस ग्लेशियर के तेजी से पीछे हटने की घटना देखी जा रही है, यानी ग्लेशियर रिट्रीट की घटना देखी जा रही है, जिसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस सर्वे के रिजल्ट्स ये बताते हैं कि अगर ग्लेशियर इसी तरह की समान दर से पीछे हटता रहा, यानी जिस रेट से ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है, तो फ्यूचर में यहाँ अलग अलग डायमेंशंस की यानी अलग अलग साइज की 3 झीलें बन सकती हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ग्लेशियर यानी कोई बर्फ का पहाड़ या पहाड़ जैसी आकृति है बर्फ की, तापमान कम रहने पर यह बर्फ जमी रहेगी, लेकिन अगर तापमान बढ़ा तो ये पिघलेगी, जिसके बाद बर्फ का ये पहाड़ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये बिना पिघले मूवमेंट करे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब धरती के अंदर का फोर्स या कोई आंतरिक बदलाव पृथ्वी की ऊपरी सतह पर हलचल मचा दे, यानी कोई भूकंप आ जाए या कोई और इस तरह का कोई चेंजेस या कोई घटना हो। इन दोनों मूवमेंट्स के समय अगर इस ग्लेशियर का आधार नीचे की सतह से लगा हुआ है, सटा हुआ है, और सतह चिकनी है, तो ये स्लाइड कर सकता है, फिसल सकता है। यह स्लाइडिंग या तो पिघले पानी की वजह से होगी या फिर धरती की सतह में मूवमेंट की वजह से होगी। इस स्लाइडिंग को हम बेसल स्लाइडिंग कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। कभी कभी ये मूवमेंट ग्लेशियर के बीच आपसी फ्रिक्शन यानी घर्षण और तनाव से भी हो सकता है, इसे क्रीपिंग कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये मूवमेंट जब जारी रहता है तो सतह पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसके चलते सब ग्लेशियर ओवर डीपिंग की घटना होती है। इसका मतलब है कि ये जो बर्फ का पहाड़ है, ये अपनी ही जगह पर अपनी वजन और पृथ्वी की ओर से लगने वाले इंटरनल फोर्सेज यानी आंतरिक बल की वजह से रगड़ खा खा कर एक ही जगह पर गड्ढा कर देता है, यानी ग्लेशियर के नीचे की चट्टान घिसकर नष्ट हो जाती है और वहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है। ये गड्ढा कई सौ मीटर गहरा हो सकता है और काफ़ी बड़ा हो सकता है, यानी कई किलोमीटर तक फैला हो सकता है। अब इसके बाद अगर ग्लेशियर रिट्रीट की घटना होती है, यानी ये जो ग्लेशियर है ये पिघलता है, मेल्ट होता है, अपनी साइज में श्रिंक होता है, तो इसके ज़्यादा पिघलने या बर्फ के कम स्टोर होने के चलते, यानी बर्फ जो लगातार जमता जाता है टेम्परेचर के कारण या तमाम मौसमी घटनाओं के कारण, अगर वो घटना भी कम हुई तो इसके चलते साइज में कोई कमी आएगी या किसी और कारण से ये बर्फ पीछे खिसकेगा, तो इसका पानी अपने पीछे बनाए गए गड्ढे में जमा होने लगता है और इस जमाव वाली जगह में ग्लेशियर झील बन जाती है। अब रिसेंट जो स्टडी हुई है, इसमें यह पाया गया कि इस क्षेत्र में जलवायु गर्म बनी रहने की उम्मीद है, यानी आने वाले फ्यूचर में यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बना रहेगा, इसकी वजह से ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेगा और आसानी से ये अपनी जगह से मूव करेगा, जिसकी वजह से झीलें बनने की संभावना है। पारकाचिक ग्लेशियर जो कि जास्कर हिमालय के ऊपरी सिंधु नदी की सुरु उप बेसिन में ये स्थित है, इसका लोकेशन है, लद्दाख के कारगिल ज़िले से होकर बहता है। इस ग्लेशियर से निचले इलाकों में रहने वाले समुदायों को, जो लोग रहते हैं, उनको सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध हो पाता है, लेकिन अगर ये मेल्ट कर गया और ऊपर झील बन गई तो संभव है कि जो लोग नीचे रहते हैं उनको साल भर मिलने वाला पानी बंद हो जाए और सिंचाई की भी समस्या पैदा हो सकती है।